गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज जो है हम आपको इंग्लिश ग्रामर का लेसन 3 कराएंगे। लेसन 3 जो है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन है। तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार हैं। तो बच्चों आपको पता है जैसे अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग, एज जैसे कि राजन, लखनऊ, चेयर, ये सब आपके क्या है, नाउन है यानी कि संज्ञा है। ठीक है, अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन बच्चों 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन बच्चों वो होते हैं जैसे कि राघव, इंडिया, ताज, ये सब इनके नाम से हम जानते हैं इनको, तो ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन बच्चों वो होते हैं जैसे बॉय बहुत सारे होते हैं, हमको नहीं पता कौन से बॉय की बात हो रही है, गर्ल, तो सभी गर्ल्स, बॉयज़, टेबल, सिटी, इनमें ये आ जाते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन बच्चों वो हुए जैसे कि एक ग्रुप में होते हैं जो एक साथ इकट्ठे होते हैं जो लोग, वो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे आर्मी, फ्लॉक, हर्ड, फ्लीट, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन जैसे वुड, जो किसी चीज़ से बने होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये आयरन, ये सब किसी चीज़ से बनी गई चीज़ें होती हैं, मटेरियल नाउन होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों वो होते हैं जैसे कि जिसमें भाव होता है, क्वालिटी होती है, काइंडनेस, ब्रेवरी, बॉयहुड, तो ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो बच्चों हमको जो एक्सरसाइज है उसमें हमको यही बताना है नाउन कौन सा है ये। ठीक है, सबसे पहले जयपुर इज़ नॉट अ बिग सिटी। अब यहाँ पे जयपुर आया है, जयपुर के नाम से हम जानते हैं कि जयपुर एक शहर है, तो जयपुर ही एक शहर है और दूसरे शहर की बात नहीं हो रही है, तो ये हुआ आपका प्रॉपर। तो मैं पी लिख दे रही सीधे प्रॉपर, बाकी आप लोग पूरा लिख लेना प्रॉपर। ठीक है, नाउन ऐसे एक लिख रही हूँ, बाकी सब कर लेना। एंड दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें भी दिल्ली की बात हो रही है और इंडिया भी एक ही है सब कंट्रीज़ में, तो प्रॉपर यानी पी। उसके रवि लिव्स इन लखनऊ, रवि भी एक ही है, लखनऊ भी एक ही जगह है, तो प्रॉपर। द पुलिस चेज द मॉब, तो ये पुलिस तो में सभी आ जाते, एक पुलिस वाले की बात नहीं हो रही है, मॉब में भी बहुत लुटेरे सब ये चोर डकैत आ जाते हैं, तो ये भी आपका क्या हुआ, सॉरी कॉमन हुआ, ये आपका क्या हुआ, कॉमन। कॉमन में आप सी लगाएंगे। ओके, उसके बाद द अर्थ हैज टू मोमेंट्स, जो हमारी पृथ्वी है उसके दो तरह से चक्कर लगाती है, तो अर्थ भी हमारी एक ही है, पी प्रॉपर। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज द प्रॉपर। द मून इज अ सैटेलाइट प्रॉपर। एंड उसके बाद देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, ये कॉमन हो गया आपका। He has joined the army, common. There are 9 planets in our solar system. तो exactly planets की बात हो रही है, 9 planets बताए जा रहे हैं हमारे solar system में, तो ये भी 9 यानी कि पूरे आप 9 ही सोचेंगे, तो ये proper, ठीक है, इस तरह से आपको ये कर लेना। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।